सोनिया को किसने किया किडनैप? क्या सोनिया तक पहुंच पाएगा मिहिर? आखिर मिशा और इश्की ने क्यों बदला अपना भेस? वो होता कौन है तुझसे तेरे बॉयफ्रेंड के बारे में सवाल करने वाला? इश्की, तू जानती है ना, अगर ये बात भाई को पता चली तो वो तंज कपूर का क्या हाल करेंगे? इश्की और मिशा दोनों इस बात से काफी हैरान परेशान थे कि आखिर तंज कपूर इश्की की पर्सनल लाइफ में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहा है। तभी मिहिर वहाँ गया और उसने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, मिशा मैं एक महीने क्या एक दिन के लिए भी सोनिया को छोड़कर केप टाउन नहीं जा सकता। भाई मेरे साथ ये ज्यादती क्यों कर रहे हैं? अब ऑर्डर मिल चुका है तो जाना तो होगा ही, भाई का हुक्म आखिर कौन टाल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें केप टाउन भेजने के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी जो सिर्फ राजवीर को पता होगा। इश्की अब अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी मिहिर की नज़र कैंटीन की घड़ी पर गई। अरे मुझे अभी निकलना होगा, सोनिया मेरा वेट कर रही होगी, मैं तुम दोनों से शाम को मिलता हूँ। ये कहते हुए मिहिर वहाँ से एक क्लब के लिए निकल जाता है जहाँ सोनिया उससे मिलने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि सोनिया मिहिर से मिल पाती, क्लब के बाहर से कुछ गुंडे जबरन उसे वहाँ से उठा लेते हैं। मिहिर क्लब के अंदर बैठा सोनिया का वेट करते हुए उसको कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी। काफी देर तक इंतजार करते करते अब वो परेशान हो चुका था। लेकिन कई घंटों तक जब सोनिया से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया तो वो सोनिया की चिंता में क्लब से घर के लिए रवाना हो गया। वहीं दूसरी ओर इश्की और मिशा ने एक प्लान बनाया था और इस प्लान का मकसद था रूही और समर को करीब लाना। चल मिशा, जल्दी से हम अपना गेटअप चेंज करके अब लड़का बन जाते हैं। जरा मेरी ये दाढ़ी तो फिक्स करना। ओहो इश्की जल्दी कर यार, रूही और समर जीजू थिएटर पहुंचने वाले होंगे, हमें उनसे पहले वहां पहुंचना होगा। यार वो हमें पहचान तो नहीं लेंगे? नहीं यार डर मत, मैं कह रही हूँ ना नहीं पहचानेंगे। तू कह रही है तभी तो डर लग रहा है। अब चल जल्दी। कुछ ही देर में इश्की और मिशा लड़के के भेस में थिएटर पहुँच गए और ठीक रूही समर के पीछे वाली सीट पर बैठ गए और उन पर कमेंट करने लगे। अरे कैसे कपल है यार, कम से कम एक दूसरे के थोड़ा करीब तो आओ। बड़े ही बोरिंग कपल है। रोमांटिक गाना चल रहा है, अब तो किस करो यार। मिशा को एहसास भी नहीं हुआ था कि उसने ये बात इतनी तेज आवाज में कही है कि वहाँ मौजूद लगभग सभी लोगों ने ये सुन लिया था। और ना केवल रूही और समर बल्कि आसपास बैठे सभी लोगों ने घूरने लगे। ये देखकर इश्की ने धीरे से कहा, मिशा तुम मरवाएगी हमें। अब तो रूही को भी अपने पीछे बैठे इन लड़कों पर शक होने लगा। वो एक टक उन्हें घूरने लगी और कुछ देर बाद उसने समर से कहा, लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। रूही की नजरें तो स्क्रीन पर थी लेकिन उसका दिमाग पीछे बैठे इन अजीब लड़कों पर ही टिका हुआ था कि तभी रूही ने समर से कहा, मैं इन लड़कों को जानती हूँ। कि तभी इश्की का फोन रिंग हुआ। मिशा यार राजवीर का कॉल है, क्या करूँ? भाई को बाद में कॉल कर लेना, अभी वॉशरूम चल प्लीज। लेडीज वॉशरूम की तरफ तेजी से बढ़ते मिशा और इश्की के कदम अचानक रुक गए। वो कुछ सोच ही रहे थे कि तभी पीछे से एक भारी आवाज उनके कानों में पड़ी। क्या सोच रहे हो दोनों, कौन से वॉशरूम में जाना है, जेंट्स या लेडीज? ये सुनते ही मिशा और इश्की शॉक्ड रह गए कि तभी रूही ने कहा, वैसे प्लान तो अच्छा था लेकिन फ्लॉप हो गया। ये इश्की का प्लान था? नहीं ये मिशा का प्लान था, उसे ही मासी बनने की जल्दी है। इश्की की ये बात सुनकर जहाँ रूही शर्मा गई, वहीं उसके साथ खड़ा समर जोर से हंसने लगा। लेकिन सिंघानिया हाउस पहुँच चुके मिहिर के चेहरे से तो मानो हंसी कहीं रूट कर चली गई थी। वो अब भी बार बार सोनिया को कॉल लगा रहा था पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि सोनिया का फोन शहर से दूर एक अंधेरे कमरे के फर्श पर पड़ा था और उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। वो बदहवासी में लगातार यही चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ। कि तभी उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खुला, एक बड़ी परछाई सोनिया के चेहरे पर आ गिरी और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे ये परछाई करीब आ रही थी वैसे वैसे सोनिया का डर भी बढ़ रहा था। आखिर क्या सजा देने वाला है राजवीर सिंघानिया सोनिया को? क्या होगा जब मिहिर को पता चलेगा कि सोनिया है राजवीर की कैद में? क्या सोनिया की वजह से राजवीर और मिहिर के बीच आ जाएगी दरार? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और डेविल से शादी के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।